नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। प्रेम प्रसंग में बाधा बनने के कारण कलयुगी मां बनी बेटे के मौत का कारण। मुजफ्फरपुर से मोहम्मद आरिफ अंसारी की रिपोर्ट। कहा जाता है कि मां और बेटे का संबंध अटूट श्रद्धा, प्यार और विश्वास का होता है, लेकिन एक कलयुगी माँ ही बन गई अपने बेटे के मौत का कारण। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर के बलुराज थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां मां के अवैध संबंध के कारण 10 साल के एक मासूम बच्चे की जान चली गई। मासूम बच्चे की मां के प्रेमी ने 10 साल के मासूम को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि बच्चे को दोनों के गलत संबंध का पता चल गया था। मासूम नीरज कुमार दोनों को एक साथ देख लिया था। हत्या की यह घटना बरूराज थाना क्षेत्र के हरनाही गांव की है। इस घटना से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। वहीं बलुराज पुलिस ने आरोपी प्रेमी को हिरासत में ले लिया। वहीं पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बलुराज थाना प्रभारी ने बताया कि बलुराज के हरनाही गांव में एक खेत से 10 साल के बच्चे का शव मिला। उसके नाक मुंह से खून भी निकला हुआ है। सूचना मिलने पर बलुराज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि बच्चे के घर में संजय पंडित नामक एक व्यक्ति आकर रहता है। बच्चे का पिता दिव्यांग है। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि संजय पंडित का बच्चे की मां से प्रेम प्रसंग है, प्रेम संबंध है, जिसे बच्चे ने एक बार देख लिया था। परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी संजय पंडित शाम को बच्चे को बारात में डीजे दिखाने के बहाने ले गया था। उसके बाद बच्चा घर नहीं लौटा और सुनसान खेत में उसकी डेड बॉडी मिली। वहीं बरुलाज थाना प्रभारी ने कहा है कि हिरासत में लिए गए आरोपी संजय पंडित से पूछताछ की जा रही है। क्षेत्र में आज सुबह एक 10 साल के बच्चे का शव मिला। इंक्वेस्ट में देखा गया कि उसका गला दबा के हत्या की गई थी। पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कि वो बड़े गरीब परिवार से है। उसके घर में एक व्यक्ति रहता था। ऐसा भी इन्वेस्टिगेशन में खुला है कि उसकी माँ के साथ कुछ गलत संबंध था और इसी के चलते उसने उसको मार दिया है। इस पर हमने उस व्यक्ति को डिटेन किया है। पूछताछ चल रही है। आगे कार्रवाई यह है कि इसमें हम लोग अभी गहराई से पूछताछ कर रहे हैं उससे, व्यक्ति से, आसपास के लोगों का भी बयान ले रहे हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैसी होती है वैसे आगे कार्रवाई करेंगे। वो जो सर आदमी है, वो कैसे घर पर भी आना जाना था उसका? वो उसके घर पे कुछ एक महीने से डेढ़ महीने से रह रहा था। कुछ काम वाम करता था, कुछ पैसे भी दे देता था इन लोगों को, और उसी में इसका रिश्ता डेवलप हो गया। शव सर कहाँ से बरामद किया? घर के ही नजदीक से एक झाड़ी के पास से बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चली गई है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज़।